उनका ग्रोथ भी अच्छा हो और अपना फीडिंग कॉस्ट भी थोड़ा कम हो, क्योंकि आजकल मार्केट का फीड हमेशा डे बाय डे महंगा होते जा रहा है। दोस्तों, मैं जो भी पत्तियों के बारे में बताया हूँ ये इजीली हर एरिया में अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं। मैं आप कटिंग करके दें और साथ में थोड़ा थोड़ा फीड भी मिला दें ताकि उसको खाने में कोई परेशानी ना हो। बोला आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक छोटा सा तालाब या छोटा सा आप कोई भी गड्ढा करके प्लास्टिक डाल के भी अजोला उगा सकते हैं। अजोला एक संजीवनी की तरह मुर्गियों में काम करता है। मुर्गियां लगभग लगभग सारा वेस्टेज खा जाती है जो कि घर का वेस्टेज होता है। क्या होगा, आपकी मुर्गियों का फीड कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और ओवरऑल जब आप सेल करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम है पप्पू और आप देख रहे हैं सोनाली मुर्गी पालन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एंड हेल्दी होंगे। आज का टॉपिक है ग्रीन फीड के बारे में, कि देसी मुर्गियां जो होते हैं उनको हरा चारा में कौन कौन सा लीव्स खिलाएं या कौन कौन सा पत्तियां दें जिससे कि उनका ग्रोथ भी अच्छा हो और अपना फीडिंग कॉस्ट भी थोड़ा कम हो, क्योंकि आजकल मार्केट का फीड हमेशा डे बाय डे महंगा होते जा रहा है। अभी के तौर पर देखा जाए तो फीड लगभग 30 से 32 रुपये केजी के आसपास चला गया है। आज मैं आपको 5 से 6 ऐसे ही हरी पत्तियां या घास बोल लीजिए आप, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं कि आप कौन कौन सा घास या पत्ती खिला के आप अपने मुर्गे या मुर्गियां को लो कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जो भी पत्तियों के बारे में बताया हूं ये इजीली हर एरिया में अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। घर के आसपास में इन सभी चीज़ों का पेड़ आपको मिल जाएगा, तो आप लोग तोड़ कर सिर्फ लाना है और छोटे छोटे पीस कटिंग करके मुर्गियों को देना है। दोस्तों, 1K सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सभी दोस्त एंड भाइयों को। कृपया ऐसे ही चैनल में अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी कंटेंट आपको देता रहूं और अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जो भी पत्तियां बता रहा हूं उसको आप छोटे छोटे कटिंग करके ही दें, ऐसे डायरेक्ट ना दें, क्योंकि डायरेक्ट देंगे तो उसको खाने में शुरू में हो सकता है दिक्कत होगा। आप जब मुर्गियाँ खाना शुरू कर देगी तो उसके बाद आप डायरेक्ट देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप कटिंग करके दें और साथ में थोड़ा थोड़ा फीड भी मिला दें ताकि उसको खाने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप नेचुरल फीड देते हैं तो आपका मुर्गी का सुंदरता भी बढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग आ जाता है आपके मुर्गियों में और देखने में भी एक प्योर देसी का जैसा लगता है देखने में। सबसे पहला है सहजन, जिसको आम भाषा में हमारे यहाँ मुनगा साग बोलते हैं, वो आप दे सकते हैं। सहजन का जो पत्ती है वो मुर्गियाँ बहुत ही इजीली खा जाते हैं, क्योंकि उसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं। सहजन के पत्ते में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन सी और कैल्शियम पाया जाता है, जिनसे मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां आने से रोक देता है ये। तो अगर आप अपने मुर्गियों को हरा चारा में देना चाहते हैं तो सहजन का पत्तियां ज़रूर दें उसको, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है मुर्गियों के लिए। दूसरा है नीम का पत्ती। नीम का पत्ती वैसे तो हर एरिया में इजीली से अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरल है, हर जगह में आपको मिल जाता है। आप नीम का पत्ती अगर मुर्गियों को देते हैं तो एक तरह से एंटीबायोटिक का भी काम करता है, क्योंकि नीम के पत्ती खाने से मुर्गियों के पेट में जो भी कीड़ा रहता है वो सब मर जाते हैं और मुर्गियों के पेट को भी पूरा साफ रखता है, जिससे कि मुर्गियों को डाइजेशन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तीसरा है पपीते का पत्ता। पपीते का पत्ता को आप दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप उसका पपीता भी दे सकते हैं मुर्गियों को और उसका पत्ता भी दे सकते हैं। पपीता में काफ़ी मात्रा में विटामिन पाया जाता है, जैसे कि प्रोविटामिन ए, विटामिन सी। इससे मुर्गियों को ग्रोथ होने में काफ़ी मदद मिलता है और कोई भी बीमारी जल्दी से मुर्गियों में नहीं आता है। तो आप मुर्गियों को पपीते के पत्ते और पपीता ज़रूर से खिलाएँ, इससे मुर्गियों को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं।
मुर्गियों के हरा चारा में एक और चारा है जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है मुर्गियों के लिए, वो है अजोला। अजोला आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक छोटा सा तालाब या छोटा सा आप कोई भी गड्ढा करके प्लास्टिक डाल के भी अजोला उगा सकते हैं। अगर मुर्गियों को आप अजोला देते हैं तो मुर्गियां काफ़ी तंदुरुस्त रहते हैं। अजोला एक संजीवनी की तरह मुर्गियों में काम करता है। अजोला में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन कैल्शियम पाया जाता है, जिससे कि मुर्गियों को ग्रोथ होने में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अजोला के बारे में वैसे तो हर कोई जानता ही है, इसके बारे में मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन आप अगर मुर्गियों को हरा चारा देना चाहते हैं तो अजोला ज़रूर से दें। ये मैं पर्सनली रिकमेंडेड कर रहा हूँ, क्योंकि अजोला बहुत ही फ़ायदेमंद होता है मुर्गियों के लिए। दोस्तों, और सीजन के हिसाब से आप मुर्गियों को और भी ढेर सारा चारा दे सकते हैं, जैसे कि पालक हो गया, गोभी हो गया, गोभी का पत्ता हो गया, और टमाटर हो गया, बैंगन हो गया। देसी मुर्गियां लगभग सारा वेस्टेज खा जाती है जो कि घर का वेस्टेज होता है। तो आप अगर बैकयार्ड देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो आप घर का किचन का जो भी वेस्टेज है वो ला के आप मुर्गियों को दे दें। उससे आपको क्या होगा, मुर्गी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आएगा और बीमारी आने का संभावना भी बहुत ही कम रहेगा। दोस्तों, मैं जितने भी ग्रीन पत्तियां या ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में बात किया हूं, उसको आप ज़्यादा ठंडी में ना दें, क्योंकि ज़्यादा ठंडी के मौसम में अगर आप देंगे तो मुर्गियों को सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे अगर आप ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं करें तो शायद CRD भी आ सकता है आपके यहाँ। इससे क्या होगा, आपके मुर्गियों का फीड कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और ओवरऑल जब आप सेल करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, और मुर्गियों का सुंदरता तो बढ़ेगा ही, जिससे कि आप थोड़े महंगे पैसे में भी मुर्गियों को सेल कर सकते हैं। देसी मुर्गा मुर्गियों का रेट जो है काफ़ी हद तक सुंदरता पे भी डिपेंड करता है। आप अगर नेचुरल फीड देंगे तो आपके मुर्गियों का डेफिनेटली सुंदरता काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय जवान, जय किसान।